Hey guys, welcome to my channel Mahima Creation. So how are you all? I hope you all are good and stay safe at homes. So I had just my dinner. Now I am reading the quote. So let's start. Every day you wake up, remind yourself. Every day you wake up, remind yourself. Every day above ground is a great day. Every day above ground is a great day. Every day my heart is beating is another true blessing. Every day my heart is beating is another true blessing. I'm again repeating the whole quote. Every day you wake up, remind yourself, every day above ground is a great day. Every day my heart is beating is another true blessing. So now I'm explaining, every day you wake up, remind yourself. जब भी आप उठो, हमेशा अपने आप को ये remind करो, every day above ground is a great day. Above ground, it means ऊपर, ground के ऊपर. So, आप जैसे हम feet रखते हैं ground के ऊपर, so ये एक तरीके का हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है कि हाँ डेट या वी आर अलाइव और हम पैर रख पा रहे हैं. वी कैन वॉक, वी कैन टॉक एंड हमें एक बहुत अच्छी बॉडी मिली है. सो यू कैन फील एज अ ब्लेसिंग. एवरी डे माई हर्ट इज बीटिंग इज अनदर ट्रू ब्लेसिंग. और एवरी डे हर रोज मेरा जो हर्ट है वो बीट करता है डेली. सो इज अनदर ट्रू ब्लेसिंग. सो ये दूसरी एक ब्लेसिंग है. एक तो ब्लेसिंग ये हो गई कि हम उठते ही जैसे हमने पैर रखे तो हमें मौका मिला, मतलब हम अलाइव है, हमें कुछ नहीं हुआ, भगवान की दुआ से हम चल सकते हैं, मतलब इस संसार को देख सकते हैं. एंड नेक्स्ट मेरा जो हार्ट है वो बीट कर रहा है, वो भी दूसरी ब्लेसिंग है. सो यही है आज की कोट एंड यू नो वेरी ट्रू. एंड हमें ये सोचना चाहिए, बहुत अच्छी कोट है, कि हमें हर दिन एज अ ब्लेसिंग लेना चाहिए. यू नो गाइस व्हाट इज माई ओपिनियन, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि सच में ना हम लोग बहुत ब्लेस हैं. क्यों? अगर आप देखो उन लोगों को देखोगे कि जैसे जो लोग अंधे हैं, डेफ एंड डम हैं, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो सोचो जो जिन लोगों ने ये दुनिया ही नहीं देखी, मतलब जिनकी आंखें ही बंद है, जो अंधे हैं, देख ही नहीं सकते, पर हमारे बाय गॉड्स ब्लेसिंग कि हमारे जो भी सिक्स सेंसेस है वो पूरे वर्क करते हैं, हम बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, एवरीथिंग, सोच सकते हैं, सारी चीज हमारी वर्किंग है. सो ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग है गॉड की. फिर भी हम यू नो उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है. सो हमेशा अपना जो दिन, मतलब जो हमें अपना जो डे है, जे मतलब जब डे भी स्टार्ट होता है तो हमेशा हमें ये सोचना चाहिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, इंस्टेड ऑफ कि जो चीजें नहीं है हम उसी साइड भागते हैं. और ये मैं ये नहीं कह रही कि ये मेरे साथ नहीं होता, मेरे साथ भी ये होता था. मैं पहले उन चीज़ों की तरफ भागती थी, बट जब से यू नो मैं बहुत चीज़ें जैसे पॉजिटिव देखना स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरा देखने का नज़रिया, बोलने का तरीका, सब चीज़ बदल रहा है. एंड दैट इज़ गुड, दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग एंड आई एम हैप्पी ऑल्सो. देखो प्रॉब्लम्स रहेंगी बट उस चीज़ को ना हमेशा ऐसा ब्लेसिंग काउंट करो यार. वो लोग देखो जो बीमार रहते हैं, जिनके घर में फाइनेंसिस की प्रॉब्लम रहती है, ये है बाय गॉड ग्रेस एटलीस्ट हमारे पास इतना है कि हम खा सकते हैं, अपने आप खुद खरीद के कोई चीज़ पहन सकते हैं, चीज़ें हम खा रहे हैं, हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा. तो ये भी बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है कि भगवान ने हमें इतना एटलीस्ट लायक बनाया है. सो हमें ब्लेसिंग की तरह लेना चाहिए. यू नो हर्ट, एवरी डे माई हर्ट इज़ बीटिंग, सो दिस इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग. बिना अगर हर्ट बीट नहीं करेगा तो हम कैसे अलाइव रहेंगे, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी. सो ये भी एक तरीके की ब्लेसिंग है. सो आई होप इससे आपकी हेल्प हुई हो एंड आप इस चीज़ को सोच सकें और मेरी वीडियो देख रहे हो. सो प्लीज़ शेयर, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. और अगर सच में आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ सच में मैं कुछ कर रही हूँ, सो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.